जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीडीएस वन और एफकेट वन 2021 के लिए आज कवर करेंगे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। और मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि इस बार सीडीएस में एक या दो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। अगर आपको सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए नोट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे और हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू। आज रिपब्लिक डे है, उसकी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। इसी के उपलक्ष में 26% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर, आप ऐप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो है घोषित किए गए, उसमें बजरंग पूनिया जो कि है हमारे रेसलर और इला वेनिल वलारीवन जो है हमारी शूटर, उन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिले हैं अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। तो किन खेल के साथ इनका संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बेस्ट पैरा एथलीट अवार्ड की बात करें तो सुंदर सिंह गुज्जर और सिमरन शर्मा को बेस्ट पैरा एथलीट का अवार्ड मिला है। इसके अलावा राधा कृष्ण नायर को जो कि एथलेटिक्स के हैं उन्हें कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये चीज अगर बात करें स्टेट की तो मध्य प्रदेश हैज वॉन द बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड। इंपॉर्टेंट चीज है, सारी ही चीजें आपको FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक डांसिंग बिकम्स ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट। तो पहली चीज स्टार मार्क कर लीजिए कि ब्रेक डांसिंग जो है ऑफिशियली ओलंपिक में खेली जाएगी अब से, लेकिन नेक्स्ट ओलंपिक में 2024 के ओलंपिक्स में। आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि 2024 के ओलंपिक्स जो है कहां पर होंगे। ब्रेक डांसिंग को जो है ब्रेकिंग के नाम से ओलंपिक्स में जाना जाएगा, खेला जाएगा। इसके अलावा 2021 के जो ओलंपिक्स होने हैं टोक्यो में, वहां पर कौन सी गेम्स जो है पहली बार खेली जाने वाली है? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों ही गेमों को ध्यान में रखना। 2021 की जो गेम्स है टोक्यो की, जो 2020 में होने वाली थी जो पोस्टपोन हो गई थी, वहां पर तीन गेम्स जो है पहली बार खेली जाएंगी। कौन कौन सी? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग। और ब्रेक डांसिंग जो है 2024 में, आप मुझे बताएंगे 2024 की ओलंपिक्स कहां होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, भुवनेश्वर एंड राउरकेला टू होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, यानी कि 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होगा? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये 15th एडिशन रहेगा और मेन हॉकी वर्ल्ड कप जो है स्टार्ट हुआ था 1971 में और लास्ट वर्ल्ड कप भी जो है कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में ही। भुवनेश्वर होस्टेड द 2018 मेन हॉकी वर्ल्ड कप और कौन जीता था? ये बेल्जियम जीता था। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी कहां पर होगा? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट चीज। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सरकार ने जो है योगासन को एक कॉम्पिटिटिव खेल का दर्जा दे दिया गया है। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की भी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसी वजह से, ताकि इस खेल को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कहां पर होंगी? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट चीज है। और चार गेम्स जो है इसमें रीजनल गेम्स है जिसको इंक्लूड किया जा रहा है, चारों के ही नाम पता होने चाहिए आपको। सबसे पहली है जो, वो है क्लारी पेयातू। इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है? एक मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला की। आगे देखिए, थंगता, ये कहां की है? मणिपुर की है। चारों गेम्स के नाम पता होने चाहिए और कहां के ये खेल है ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा गटका पंजाब का, मलखम जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये चारों ही गेम जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में एडिशन की जा रही है इनकी, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2021 के होंगे हरियाणा में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लास्ट टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2020 के कहां पर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो है जर्मनी में हुआ है अभी अभी, जर्मनी में, तो वहां पर इंडिया के जो बॉक्सर्स ने मेडल्स जीते हैं उनके नाम और उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। गोल्ड विनर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, अमित पंघाल, मनीषा मौन, सिमरनजीत कौर, यानी कि तीन हमें गोल्ड मेडल मिले हैं। सतीश कुमार, साक्षी चौधरी सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिली है सोनिया लाथर, पूजा रानी, गौरव सोलंकी, मोहम्मद हुसैनुद्दीन। अब इनमें से आपको जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना, इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि इनके नाम पूछकर आपको पूछा जा सकता है कि इनका संबंध जो है कौन से खेल के साथ है। तो आपको पता होना चाहिए इनका संबंध है बॉक्सिंग के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप जो है सर्बिया में हुआ था, वहां पर अंशु मलिक जो है पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं जिन्हें पोडियम पोजीशन हासिल हुई है। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लीजिए। आपको पूछा जा सकता है कि अंशु मलिक का संबंध कौन से खेल के साथ है, तो ये कौन है, रेसलर है। अब पिछले 10 वर्षों की, पिछले 1 दशक की जो आईसीसी ने टीम्स घोषित की हैं उसमें टेस्ट मैचों में कप्तान जो है विराट कोहली को चुना गया है, विराट कोहली को। और जो ओडीआई और T20 की टीम्स हैं उनका कप्तान जो है MS धोनी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों ही टीम्स के कैप्टन आपको पता होने चाहिए। उसमें से MS धोनी जो है रिटायर हो चुके हैं, उन्हें आईसीसी ODI मैन और T20 इंटरनेशनल टीम्स का कैप्टन चुना गया है, और विराट कोहली को टेस्ट मैचेस की टीम का कैप्टन चुना गया है जो आईसीसी ने पिछले 10 वर्षों की निकाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने कह दिया है कि इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जो है राउरकेला उड़ीसा में बनेगा। आप सभी को पता है कि नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कहां पर होगा, उड़ीसा में होगा। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए, मोरिशियन बैडमिंटन प्लेयर कैट जेसिका, उन पर क्या है, बैन लग गया है। उनकी उम्र है सिर्फ 27 वर्ष। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि फ्लैग बियरर थी ये 2016 में जो ओलंपिक्स हुई थी उसमें। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कैट जेसिका जो है कौन से खेल के साथ इनका संबंध है या कौन से देश से ही आती हैं। तो मॉरिशियन की बैडमिंटन प्लेयर है, इंपॉर्टेंट चीज। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनकी उम्र सिर्फ 28 वर्ष है, उन्होंने अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत ही छोटी उम्र में। पहले इन पर फिक्सिंग के चार्जेस रहे जिसकी वजह से इन्हें खेल से बाहर रहना पड़ा, और अब उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है। आगे देखिए, रशिया को जो है बैन कर दिया गया है, ना ही वो अपना नाम यूज कर सकते हैं, ना ही फ्लैग यूज कर सकते हैं, ना ही एंथम यूज कर सकते हैं एट द नेक्स्ट 2 ओलंपिक्स और एनी वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स बाय द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि रशिया को बैन किया गया है, ना ही वो अपना नाम, ना ही वो फ्लैग और ना ही एंथम यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके एथलीट जो है न्यूट्रल रहकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रशिया को बैन किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखिए, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 की जो है, जो आबू धाबी में ही हुई थी, उसे जीत लिया है किसने, रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स जो 2023 की है वो अब मडागास्कर में होंगी, पहले ये मालदीव्स में होने वाली थी। अर्लियर मालदीव्स वाज टू होस्ट इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स। इंपॉर्टेंट चीज है, मडागास्कर में होंगी अब, पहले होने वाली थी मालदीव्स में। आगे चलते हैं। लुईस हैमिल्टन जो है इन्होंने 2020 की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। लुईस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और जो हमारे मैक्स वर्स्टैपेन है उन्होंने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, दोनों ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली जो है हमारे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, क्योंकि वो बन गए हैं फास्टेस्ट टू स्कोर 12,000 ODI runs। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आईसीसी ने रिसेंटली जो है काफी अवार्ड्स की घोषणा की थी पिछले 10 सालों के, पिछली पूरी डिकेड के।
तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर बन सकता है। सबसे पहले आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड ये मिला था एमएस धोनी को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने टेस्ट मैच था इंग्लैंड के साथ, वहाँ पर इयॉन बेल जो है रन आउट उनको दे दिया गया था, लेकिन इयॉन बेल वापस नहीं आए थे क्रीज में इस वजह से क्योंकि उन्हें लगा था कि चाय का वक्त हो चुका है टेस्ट मैच में, तो जिसकी वजह से वो क्रीज में वापस नहीं आए। तो एमएस धोनी ने अपनी अपील जो है वापस ले ली थी, जिसकी वजह से उन्हें मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। अगर हम बात करें आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की, यानी कि जो क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं पिछले 10 सालों में, पिछले एक दशक में, तो विराट कोहली को। अगर बात करें ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड तो वो भी मिला है विराट कोहली को। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है राशिद खान को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है स्टीव स्मिथ को। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है काइल कोएट्जर को, और ये कौन से खिलाड़ी हैं? स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के। आगे देखिए, अगर बात करें आईसीसी वुमेन्स अवार्ड की तो इसमें जो है सबसे पहले आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है एलाइस पेरी को, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और आईसीसी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये भी एलाइस पेरी को ही मिला है। अगर बात करें कैथरीन ब्राइस की तो उन्हें मिला है आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि एमएस धोनी को जो है कैप्टन बनाया गया है टी20 इंटरनेशनल टीम का और ओडीआई इंटरनेशनल टीम का, जो आईसीसी ने पिछले 10 सालों की निकाली है, और विराट कोहली जो है टेस्ट मैचेस की टीम के कैप्टन बनाए गए हैं जो आईसीसी ने पिछले 10 वर्षों की निकाली है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कह दिया है कि 2022 का जो वुमेन वर्ल्ड कप है कहां पर होगा? न्यूजीलैंड में होगा क्रिकेट का, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं, अगर बात करें हम एशियन गेम्स की तो 2030 की एशियन गेम्स होंगी दोहा में, 2034 की एशियन गेम्स होंगी रियाद में, इंपॉर्टेंट चीज। आगे देखते हैं, अभी अभी आईपीएल हुआ था तो कुछ चीजें आपको आईपीएल के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले मुंबई इंडियंस जो है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, और ये फिफ्थ टाइम है कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। किसे हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। अगर बात करें कि ये इस बार आईपीएल हुआ कहां पे था तो ये हुआ था यूएई में। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा रन किसने स्कोर किए इस आईपीएल में, केएल राहुल ने। सबसे ज्यादा विकेट्स ली कगिजो रपाडा ने। सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाए थे ईशान किशन ने। और सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे पैट कमिंस। और चेन्नई सुपर किंग्स जो है, चेन्नई सुपर किंग्स इस एडिशन में पहली बार ऐसा हुआ कि वो प्ले ऑफ तक नहीं पहुंच पाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं, फर्स्ट प्लेयर कौन थे जिन्होंने ड्रीम 11 आईपीएल में सेंचुरी लगाई थी? तो वो थे केएल राहुल। इसके अलावा ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एमएस धोनी पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 200 आईपीएल मैचेस खेले हैं, 200 आईपीएल मैचेस, और रोहित शर्मा जो है सेकंड प्लेयर बन गए थे जिन्होंने 200 आईपीएल मैचेस खेले हैं। तो पहले कौन से हैं? एमएस धोनी। आगे चलते हैं, और शिखर धवन जो है पहले प्लेयर बन गए थे जिन्होंने लगातार 2 मैचेस में सेंचुरीज लगाई है आईपीएल में। और बाकी ये लिस्ट जो है एक बार गो थ्रू कर लेना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, ताकि अगर इस पर क्वेश्चन आए तो आप कर सके। आगे देखिए, राफेल नडाल जो है इन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है। आपको मैंने ये लिस्ट दे दी है तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट मैन सिंगल और वुमेन सिंगल इन दोनों के ही विनर आपको पता होने चाहिए और रनर अप आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और बनता रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट वुड स्पॉन्सर द इंडियन नेशनल रग्बी टीम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा गवर्नमेंट चाहती है कि वो फुटबॉल और हॉकी के बाहर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और बाकी गेम्स को भी प्रोत्साहन दे। इस वजह से नेशनल रग्बी टीम जो है अगले 3 सालों तक उसको स्पॉन्सर करेगी कौन? उड़ीसा गवर्नमेंट। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर जो है अलिसा हेली विकेट कीपर, उन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। किस वजह से? जो मोस्ट डिसमिसल्स हैं विकेट कीपर के द्वारा इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में,
उसे ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर जो है अलिसा हेली ने ब्रेक कर दिया था। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने 5,00,000 रुपए सैंक्शन किए थे किसके लिए, अभी अभी मणिपुर के फुटबॉलर मनी तोम्बी जी का देहांत हो गया था, उनके एफर्ट को देखते हुए और वो अकेले थे अपनी फैमिली में कमाने वाले, इस वजह से ये न्यूज में रहे। आपको पूछा जा सकता है कि मनी तोम्बी जो जी है उनका संबंध किस खेल के साथ था, तो उनका संबंध था फुटबॉल के साथ। तो उन्होंने फुटबॉल में अपना काफी कंट्रीब्यूशन भी दिया है, कोच भी रहे हैं फुटबॉल के, मणिपुर को काफी आगे लेकर गए हैं फुटबॉल में। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट इन बैडमिंटन चेतन आनंद हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। यहां से आपको पहली चीज पता चल जाएगी कि इंडिया का पहला प्रोफेशनल बैडमिंटन का ब्रांड आ चुका है ट्रांसफॉर्म, जो कि बैडमिंटन के रैकेट्स भी बनाएगा। ज्यादातर क्या होता है, हम बाहर से प्रोफेशनल रैकेट्स जो है मंगवाते थे, तो पहला प्रोफेशनल ब्रांड बैडमिंटन का है ट्रांसफॉर्म। आगे देखिए, चेतन आनंद जो है इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम और आपको दोबारा से बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, नोट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स चाहिए हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे। और आज के लिए 26% डिस्काउंट है रिपब्लिक डे के उपलक्ष में। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट याद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, ताकि बाकी बच्चे उसको गो थ्रू कर सके। तो चलिए जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।